फिल्म का नाम ही नहीं लेते हैं। यू पीपल आर हैप्पी विद दिस पॉलिसी और नॉट? सर अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी इज नॉट फॉर जम्मू पीपल, जम्मू बट इट हैज टू बी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए। मैं भरत भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा वो भी अपना पक्ष रखें और फिर मैं शिव कुमार जी के पास में आऊंगा। लोकल टैलेंट की जैसे आप बात कर रहे थे, लोकल टैलेंट का मेरी स्टेट टाइम से मैम आई थी, इनसे भी बात हुई थी कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने टैलेंट डायरेक्टरी बनाई है और जो बाहर से टीम आएगी वो दे कैन हायर द लोकल टैलेंट हियर। लेकिन लोकल टैलेंट इन्होंने एक ओपन प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है वेबसाइट के ऊपर अपनी, एनीबडी कैन रजिस्टर, उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? जब तक यहाँ पे फिल्म एसोसिएशन नहीं होगी, फील्ड से जुड़े हुए हमारे बंदे नहीं होंगे, वो कैसे स्क्रूटनाइज होगा कि कौन बंदा क्या काम करता है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है? बाहर से आप आते हैं फिल्म बनाने के लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा इस कैटेगरी का है, बी बंदा उस कैटेगरी का है? दिस टैलेंट डायरेक्टरी इज गुड फॉर नथिंग जब तक कि इसको प्रॉपर एसोसिएशन, फिल्म एसोसिएशन बनाकर यहाँ पे प्रॉपर चैनल के थ्रू इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसका कोई फायदा। मैं इस बारे में अपना पक्ष रखना चाहूँगा, जो विनोद अतुल जी से बिल्कुल ही अलग है। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है, धारा 370 दो साल पहले टूटी थी और 5 अगस्त 2021 को ही फिल्म पॉलिसी आई है। जम्मू कश्मीर एक है, हमें बार बार इसका विभाजन नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि ब्रांडिंग जो है कश्मीर की उस तरह से सबके मन में है ना, और हमें बिल्कुल ऐसा अब नहीं सोचना चाहिए। अब हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जम्मू वाले रह गए, इस सोच को 101% हमें बदलना होगा। रही बात एसोसिएशंस की, ये जितनी भी सिंटा की हम बात करें, हम इम्पा की बात करें, हम SWA राइट स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की बात करें, तो ये बॉडीज जो हैं ये लोगों ने बनाई हैं, ये बॉडीज ये गवर्नमेंटल बॉडीज नहीं है। तो हम लोग भी इस तरह से जब वर्कआउट करेंगे, हम लोग एक अम्ब्रेला के लिए अगर नीचे सबको लेकर के आए, लेट वी स्टार्ट दिस प्रोसेस। सर देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमें ये एसोसिएशन बनानी है ना, तो एसोसिएशन बनाने से पहले हमको यहाँ इंडस्ट्री खड़ी करनी होगी। बिना इंडस्ट्री के एसोसिएशन भी रन नहीं करेंगी। वी डेफिनेटली हैव टू मेक एसोसिएशन, बट देर हैज़ टू बी प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल एज द फिल्म इंडस्ट्री डेवलपमेंट। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ किसी रीजनल सिनेमा जहाँ फंक्शन करता है, वहाँ पे उनका गवर्नमेंट का जो रीजनल सिनेमा को सपोर्ट होता है वो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होता है। अगर इस फिल्म पॉलिसी की मैं बात करूँ, इस फिल्म पॉलिसी में इफ़ वी गो थ्रू, बाहर के लोगों के लिए बेनिफिट है, यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं होता है, बाकी जगह बिल्कुल होता है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे बाहर के लोग जो शूट करने आते हैं उनको तो मिलता ही इंसेंटिव। प्लस अगर इफ़ ए मेकर इज मेकिंग ए मराठी फीचर फिल्म, देन ही ऑल्सो इज बींग गिवन इंसेंटिव। सो देर इज अ प्रॉपर चैनल विच गिव्स देम 35 to 40 lakh, एंड आई एम नॉट कोटिंग द अमाउंट राइट नाउ, बट येस, a regional filmmaker gets an incentive if he makes a regional cinema. I think that is also one of the point which should be included in the Jammu film. I think agar hum Dogri film banata hai ya Kashmiri film banata hai, main Shiv Kumar ji aapse kehna chahunga, agar aap policy ko acche se padhe to JKFDC jo hai uspe clearly ye mention kiya gaya hai ki local cinema ko lekar ke bhi kaam hone wala hai. Sir local cinema ko kaam hoga, lekin kab? Aap usme likh rahe hain ki jab tak local cinema mein is saal ka 100 crore ka budget hai. Sir 100 crore ka budget hai, लेकिन कैसे मिलेगा? आप कहते हैं जी तनवीर जी दोबारा फिल्म बना रहे हैं, जब तक उसको इंटरनेशनल अवार्ड नहीं मिलेगा तब तक उनको उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो एकदम सही है कि खास तौर पे जब तक आपकी फिल्म, क्योंकि जैसे नेशनल अवार्ड्स की हम बात करें तो वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फिल्म डायरेक्टरेट के साथ मिलकर इनको ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो वहां तक पहुंचना, उसको समझना इतना आसान नहीं है। और मुझे ये लगता है कि J&K जो फेडरेशन है, फिल्म फेडरेशन जिसको हम JKFDC बोल रहे हैं, उनका भी ये काम होना चाहिए कि कमाल का जो टैलेंट है। अब गीटियां एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में हर इंसान को पता है क्योंकि काम बोलता है, काम बोलता है, ऐसी बहुत सारी गीटियां और भी हैं। हमने शिकारा पूरी जम्मू में बनाई, विनोद चोपड़ा जी जो है वो सिर्फ सब्सिडी के लिए जम्मू में नहीं आए, उनकी फिल्म का बजट था 50 to 60 crore रुपए इंक्लूडिंग PNA, ठीक है। अब उनको फर्क नहीं पड़ता है आपके 2-3 crore रुपए के सब्सिडी से, वो ऑलरेडी जम्मू के लिए काम कर रहे हैं, वो अभी भी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। फिल्म्स है ना, हमारी जो फिल्म है, अगर उनको बाहर से अवार्ड्स मिलते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली बड़े बड़े चैनल्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी फिल्म नेटफ्लिक्स तक लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो हमें फिर तो यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है।
यही आप इंटरनेशनल अवार्ड लाइए उसके बाद हम आपको सब्सिडी देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर लोकल टैलेंट को, लोकल फिल्म मेकर को, जैसे मैं हूँ या भरत भाई हैं, अपना तनवीर भाई हैं, तो दैट मीन्स हम लोगों को पहले बॉम्बे से आए हुए कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तो फिर हमें जाकर के सब्सिडी मिलेगी। सर आप ये समझिए, आप पहले तो मैं, मतलब वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन आउटसाइडर्स। आप फिल्म पॉलिसी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपके आपस में तालमेल नहीं है। बिल्कुल तालमेल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पैनल डिस्कशन के लिए बैठे हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग सिनेमा जो हमारी माँ है, हम सबको उससे बहुत प्यार है, हम सब उसी के बच्चे हैं, बट बच्चे हैं पर अपने अपने विचार हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पैनल डिस्कशन थी ना, अब सबका व्यू पॉइंट डिफरेंट है, मेरा व्यू पॉइंट डिफरेंट है, एक मत नहीं है सबका, कुछ फेवर में है, हम भी फेवर में हैं, लेकिन हम अमेंडमेंट चाहते हैं। अब जैसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि लोकल सिनेमा को डेवलप किया जाएगा। लोकल सिनेमा डेवलप किस तरीके से करेंगे, जब तक यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल्स कह रहे हैं ऑर्गेनाइज करेंगे, जो लोकल मीडिया, लोकल टैलेंट है, जैसे काशीर चैनल की तनवीर भाई ने बात की, श्रीनगर में है, जब तक वो चीज़ें नहीं स्टार्ट होंगी तब तक डेवलप नहीं हो सकता है। सर मैं अभी छोटी सी बात कर रहा हूं, अतुल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने मुझे क्रिएटिव माइग्रेंट बना दिया बेसिकली। एक माइग्रेंट तो आप समझते ही हैं, मैं वो क्रिएटिव माइग्रेंट हूँ जिसको अपने यहाँ पे, क्योंकि काम नहीं था, मुझे रोजी रोटी इसी प्रोफेशन से कमानी थी, तो मुझे बंबई जाना पड़ा काम करने के लिए। आज अगर काम यहाँ शुरू होता है तो मुझ जैसे लोगों को बोल दिया जाता है कि तुम बंबई से हो, ऐसा कैसे करते हैं आप लोग मेरे साथ, इतनी आसानी से आप मुझे जो है क्रिएटिव माइग्रेंट बना देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी इंडस्ट्री किसी भी स्टेट में तब तक कामयाब नहीं है जब तक कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को आप डेवलप नहीं करोगे, सरकार उसको सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, रीजनल के लिए क्या है, देखिए हम लोग अगर हैं तो बाहर के लोग भी आके काम करेंगे। हम मना नहीं कर रहे, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। मैं तो उल्टा, मैं एक बात ऐड करूंगा, मुझे लगता है हाँ ये बात कर रहे हैं कि बंबई वाले जम्मू आएंगे फिर वो फिल्म बनाएंगे जे एंड के में। ये आप अपनी फिल्म में तो बंबई वालों को ही लेकर के आए हैं, आप तो उल्टा बॉलीवुड के यशपाल भाई हैं और बहुत सारे कलाकार, आप तो बॉम्बे वालों को जम्मू लेकर के आए, तब कोई फिल्म पॉलिसी नहीं थी ना। मतलब वो इन शॉर्ट 1.5 मिनट से ऊपर नहीं। जी सर, आज कैसे आपने मुलाकात हुआ, क्या विषय आपका? सर हमारा विषय है कि हम लोग जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी जो आई है 5 अगस्त को, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे कुछ भाई बॉम्बे से भी हैं और जम्मू के भी हैं, तो हम लोग उसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि इसमें रीजनल सिनेमा को लेकर के सरकार ने कुछ नहीं दिया है। जो भी इसमें जो चीज़ें भी दी हुई हैं वो सिर्फ अगर कंसिडर किया जाए तो सारी चीज़ें जो हैं जम्मू से बाहर का वो जो सिनेमा फिल्म मेकर है उसके लिए है, चाहे वो दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, मद्रास से हो, कहीं से भी हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसमें बेनिफिट दिया गया है। जी हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें अमेंडमेंट्स की, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को बेनिफिट हो सके। और मेरा ये मानना है कि ये पॉलिसी माइलस्टोन है, आप प्लीज इसको वेलकम कीजिए, प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए। जब ये नहीं थी, किसी चीज का होना उसकी आप उम्मीद तो जगाइए, होप है, ये ग्रेट होप है, आपको प्लीज इसको जो है वेलकम करना चाहिए। तब भी यशपाल जी जब हमें आगे काम, ये जो इन्होंने सर पता कि आप दो आप आपस में लड़ रहे हो, आपको मेन क्या ऐसे क्या वजह है, आप आपस में अपना स्टैंड नहीं रख पा रहे? इसमें सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है मोहित जी। मैं इनके गले से अपनी आवाज नहीं निकाल सकता और ना ये निकलवा सकते हैं। एक ही बंदा बोलेगा सर, इसमें सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबने पॉलिसी पढ़ी है और जिसका भी अपना अपना, सबका जो जिसको जैसा लगता है वो उसी तरह से उसके ऊपर बात कर रहा है। तो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं, हम लोग किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जम्मू में आके फिल्म ना बनाएं। अब हम लोग पहले भी जब ये पॉलिसी नहीं थी, हम तब भी सब लोगों के साथ काम कर रहे थे, हम तब भी सबको वेलकम कर रहे थे कि आप आइए जम्मू में, आप फिल्म बनाइए। मैं आज भी बॉम्बे जाता हूँ, मद्रास जाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ। मैंने जब तक ये पॉलिसी नहीं पढ़ी थी, मैं तब भी वैसे ही काम कर रहा था, आज भी मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। मेरे लिए पहले भी कुछ नहीं था और आज भी अगर पॉलिसी भी आ जाए तो उसमें कुछ खास है ही नहीं हमारे लिए। नहीं, मेरा मानना यह है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की 100% जरूरत है,
और अमेंडमेंट्स होंगी तो चीजें और भी ज्यादा वेलकमिंग हो जाएंगी। भरत भाई कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज। सर एक सेकंड सर, आपने नाम से आपका नाम भारत अरोड़ा। और सब किस तरह की फारसी और आप आपस में भिड़ रहे हो इस पार्टी को लेकर? आप भिड़ने की बात नहीं है, आप स्टैंड नहीं आया एक दूसरे? नहीं नहीं, भिड़ने की बात नहीं। यहाँ पे बेसिकली जो मुद्दा था, पैनल डिस्कशन हमने रखी थी, इस पे अपने सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट मैं अपना ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फिल्म हमें स्क्रिप्ट सबमिट करनी पड़ेगी और उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। मुझे लगता है कहीं ये कहीं क्रिएटिव सुसाइड ना हो जाए कि हमें पहले ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में स्क्रिप्ट देनी है और वो बाद में प्रूव करेंगे इसमें क्या काटना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक मेकर की क्रिएटिविटी को ना ये कहीं किल कर। बिल्कुल।